खड़े हुए हम काहे के लिए छोड़ दो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7। तो मैंने नाश्ता बना लिया है और पति के लिए टिफ़िन भी डाल दी हूँ मैं। और नाश्ते में आज मैं पास्ता बनाया हूँ, दिखाती हूँ। मैंने पति के लिए टिफ़िन डाल दिया है और थोड़ा सा बचा है काव्यांश के लिए, और उसको उसके लिए भी जब 9 बजे स्कूल जाएगा तो उसके लिए भी टिफ़िन डाल दूँगी। तो ये देखिए पास्ता थोड़ा सा बचा है, आधा तो परी के लिए मैं टिफ़िन में डाल दी और खाने के लिए देती हूँ, और इतना बच गया है काव्यांश के लिए टिफ़िन डाल दूँगी और थोड़ा सा खाने के लिए दे दूँगी। अंधेला, अंधेली नहीं पता अंधेला इतना ज़्यादा क्यों दिखता किचन में। परी के लिए मैं अनार काट दे रही हूँ क्योंकि वो भी पास्ता है, लेकिन थोड़ा सा मारती है तो ले जाएगी अनार था घर में। तो एप्पल पूरे ही कल दो किलो एप्पल ले आए हुए थे, पूरा ही खा गए। पापा भी खाए थे। अच्छा, आप खाए थे? अच्छा, पापा को तबीयत खराब है ना। आज समय है तो सुबह सुबह लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी जल्दी ही, तो काफ़ी समय है। जल्दी पास्ता बन जाता है तो काफ़ी समय मिल गया, तो अभी मैं अनार काट दे रही हूँ तो इसको भी ले जाएगी मम्मी। जूता साफ करना, जूता साफ करना उधर ही होगा। हाँ गाइस, अभी तो भूकंप आया था मम्मी। हाँ, अभी बीच में ना भूकंप आया था यहाँ, अंबिकापुर में काफी जोर से हिला था धरती। हाँ, अभी कब तो आया था, परसों नरसों कुछ आया था। परसों काफी जोर से हिला था। बहुत मैं सोफा में ही वही ब्लॉग बना रही थी, बैठी हुई थी तो फिर हिल रहा था बहुत ज़्यादा। मैं सोची क्या हिल रहा है ऐसे, मुझे लगा कि नीचे भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो मेरे को हम लोग ऊपर में रहते हैं, मुझे लगा कि गाड़ी की वजह से ऊपर में झंझनाहट की वजह से हिल रहा है, तो ऐसा नहीं था बहुत, क्योंकि गाड़ी तो फिर स्टार्ट किए थे तो वो ले गए थे, उसके बाद भी हिल रहा था। मुझे लगा कि ऐसे क्यों हो रहा था, फिर मैं बालकनी गई तो फिर सभी बाहर निकले हुए थे, सभी बोल रहे थे कि भूकंप आया है ऐसे। फिर मेरे को बाहर में ही पता चला कि हाँ भूकंप आया है ऐसे। और हम भी बहुत टाइम तक मतलब कपड़ा नहीं लगाना, वाइट है ना तुम्हारा सॉरी, कपड़े में मत लगाना खाते समय क्योंकि दाग लग जाएगा ना, कुछ टूटेगा नहीं।
तो गाड़ी आ गई लग रहा है, चली जाएगी ना तू? इधर नीचे गिरा हुआ था, ये वाला है क्या? हो गया, पेन तो है ना, ढक्कन नहीं है तो ठीक है, चली जाएगी ना? मैं इस बार बालकनी से देख लेती हूँ तेरे को, ठीक है? एक कंपास बॉक्स नहीं ले, अच्छे से पहन ले, पहन ले। बाय बाय। मैं बालकनी से देख लेती हूँ, नीचे जा नहीं रही हूँ छोड़ने के लिए, तो बाय। थोड़े बहुत फूल खिले हुए हैं इसमें, और ये देखिए नीम का पेड़। अभी टाइम है तो मैं छत चलती हूँ, थोड़ा सा छत में टहल लेती हूँ, टाइम है तो, और आज मन कर रहा है। ऐसे में तो टाइम नहीं मिल जाता, जब टाइम मिलता है तभी आती हूँ, अभी बहुत दिन से आई नहीं, तो मैं सोची कि चलती हूँ। और धूप है आज, थोड़ा सा धूप बादल ऐसा है, लेकिन अच्छा लग रहा है छत में। और पीछे का व्यू देखिए गाइस, हमारे घर के पीछे का व्यू है, कितना सुंदर लगता है ना, कितना हरा भरा है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ गाइस, कितना अच्छा पीछे का व्यू लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा है पीछे। यहाँ पे ना हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। छत में जब भी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जो हरा भरा ये सब पेड़ देख के काफ़ी सुंदर। इधर देखिए बगल वाले का गार्डन है, ये लीची का पेड़ है, और इधर मक्का डाले हुए हैं, और इधर जिरहुल फूल है, और बहुत कुछ लगाए हुए हैं, आम है, सतालू, पपीता, नींबू, मुनगा, बहुत कुछ लगाए हुए हैं। नीचे वाले के यहाँ जो बगल में है उनका गार्डन है, ये बहुत कुछ लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर हरा भरा है उनका। और चिड़िया भी कितने अच्छे से छीछी छीछी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा टहल लेती हूँ, उसके बाद नीचे चली जाऊँगी। तो गाइस अब मैं चलती हूँ, क्योंकि काव्यांश को काफ़ी टाइम लग जाएगा तैयार करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे। तो काव्यांश को मैं उठा लेती हूँ, घर आ गई हूँ। छोटे छोटे आजा बेटू, और ये देखिए छोटे, क्या हुआ? नहीं जाओगे? क्यों? तो तुम तो जब भी स्कूल जाते हो तो पेट में दर्द होता है, जब भी स्कूल जाना है सुबह सुबह तो रोज बोलते हो कि पेट में दर्द हो रहा है। तुम नाटक करते हो या सही में दर्द करता है? उठो तो पहले, उठो ना पहले, उठो, आ जाओ, गोदी कर देती हूँ मैं।
आ जाओ छोटे, आ जाओ लेट, आ जाओ बेटू, आ जाओ। आज मैं क्या बनाई देखना, चलो तो नहीं। आज मैं पास्ता बनाई, पास्ता खाना तुमको? हाँ नहीं खाएगा नहीं। तो फिर किसको दे दूँ? मेरे को परी के लिए टिफिन डाल देना था पूरा, तब तो है ना, पूरा पास्ता तो परी के लिए डाल देना था। नहीं खाना है, लेट हो जाएगा छोटे, जल्दी आ जा, आ जा। हाँ नहीं जाए, आज तो सैटरडे भी, कल संडे है, कल छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी, कल को मैं घुमाने ले जाऊंगी तुमको, आ जाएगा। हाँ घूमने जाना है कल? अच्छा तुमको तो मिंटू के यहाँ जाना था ना? हाँ फिर मिंटू के यहाँ चले जाना, कल आज स्कूल जाएगा ना तो मिंटू के यहाँ कल चले जाना। हाँ सचमुच का चले जाना, थोड़ा देरी के लिए, आज दो घंटे के लिए खेलने के लिए, ठीक है? ठीक है ना, तो चलो स्कूल की तैयारी हमारी करनी पड़ेगी। चलो स्कूल, ठीक है तो चले जाना। चलो आज स्कूल जाएगा तो कल मिंटू के यहाँ जाना है, ठीक है ना? आज नहीं जाऊँगा। आज आज कल तो होगा भी है ना? क्या चीज तो कल क्या होगा? अरे कल हो गया अभी है, अभी जाऊँगा मैं। अच्छा ठीक है, तुम आज स्कूल चले जाओ, फिर कल तुमको मिंटू के यहाँ छोड़ देंगे एक आध दो घंटे के लिए खेलने के लिए, ना ना ठीक है? तो आ जाओ, अब गोदी कर देती हूँ। पेट दर्द ठीक हो गया ना? पेट दर्द दर्द कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी दर्द कर रहा है क्या छोटे? पेट दर्द कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा? ठीक हो गया ना मिंटू के यहाँ जाने की खुशी में? ठीक हो गया ना? ठीक हो गया ना? आ जाओ गोदी कर दी। मैं आ जाऊँ। हाँ आ जाओ। नहीं चलो बेटू लेट हो जा रहा है, आ जाओ, आ जाओ गोदी कर देती हूँ मैं। हाँ चलो चलते हुए चलो, तो आ जाओ, आ जाओ जल्दी उठो। ठीक है आओ तो ना। देखिए कितना नाटक करता है गाइस, दरवाजा भी खुला। और काव्यांश का, काव्यांश ने कितना नाटक किया देखिए उठने के लिए। अभी उसको ब्रश कराने में इतना इतना मन्नत करना पड़ेगा उसको ना, कि हाँ ब्रश कर ले, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, तो फिर वो ब्रश करेगा, फिर उसके बाद मैं उसको तैयार करूँगी, तो फिर वो तैयार होता है, उसके बाद तो स्कूल चले जाता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो तो सुबह उठने में थोड़ा सा नाटक करता है, और ब्रश करने में तो सबसे ज़्यादा, ब्रश करने में ना उसका नाटक मत पूछिए। ब्रश पकड़ के एक घंटे तक बाथरूम में खड़ा रहता है, फिर ब्रश कर लो लेट हो रहा है, ब्रश कर लो लेट हो रहा है कहेंगे, तो ले दे के ब्रश करेगा, फिर आता है तो तैयार होता है, फिर नाश्ता करता है, तो उसके बाद तो स्कूल चले जाता है अच्छे से। उठ गया, उठ गया छोटे, आ जा। अब देखिए काव्यांश उठ गया है सबके, ऐसे समझता रहता है, बहुत समझता है काव्यांश। कल तो ब्लॉग क्या, कल शॉर्ट वीडियो भी बनाया था ना छोटे, शॉर्ट वीडियो बनाया था कहाँ से, यहीं बीत जाए वाला, कौन सा था गाना सुना छोटे, कौन सा सॉन्ग था? बस यहीं बीत जाए सजना, ऐसा कुछ था, मैं भी भूल गई हूँ गाना। तो काव्यांश कैसे कर रहा था, कैसे डांस कर रहा था ऐसे है ना? क्या ढूंढ लो, क्या रखे थे? यही ढक्कन लोग ढूंढ रहे थे दीदी, अभी इसको जाने के लिए जा रहे थे ना, उसको ढक्कन मिल नहीं रहा था, ये वाला पेन का तुम वहाँ छुपा दिए थे, सोफा के नीचे छुपा दिए थे, तो भी तो यहाँ से निकाले, जादू कर दिए, जादू आ गया तुमको, जादू मैजिक करते हो, फिर वो नीचे था तो ऊपर आ गया। मैजिक आता तुमको, करके दिखा दो, पहले तो बहुत मैजिक करके दिखा दे मेरे को, हाँ ऐसे मम्मी इसमें क्या, इसमें क्या, ऐसे करके दिखा दो अभी, ये मैजिक है, तो मेरे को उसमें ढूंढना है कि किसमें है, सकते
दिखाओ, ऐसे तो दिखाई भी नहीं। चलो चलो बेटू लेट हो जाएगा, चलो ठीक है बेटा। इसमें अरे ये बता, गलत हो गई, छुपाया था। तो दोनों में ही नहीं रखे थे मतलब? लेट हो जाएगा, चलो ब्रश कर लो, पास्ता खाएगा, कभी स्कूल जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो काफी आंसू ब्रश देती हूँ, ब्रश करा लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद मिलती हूँ। तो गाइस काव्यांश तैयार हो गया, और ये देखिए गाइस काव्यांश तैयार हो गया है इसको जाने के लिए। चलो चलो लेट हो रहा है, और काफी लेट हो रहा है। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ अभी, और अभी फिर से अनार छीलने जा रही हूँ। तो गाइस अभी मैं अनार फिर छील लेती हूँ, और अभी मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है ना, तो उनके लिए अभी खाने के लिए। तो अभी मैं दे दी हूँ, क्योंकि आज ना वो उनको मन नहीं कर रहा था, तबीयत ख़राब है ना, तो नाश्ता में रोटी वोटी या कुछ भी इधर खाने का मन नहीं कर रहा था। फल फ्रूट ही उनको अच्छा लगता है, तबीयत जब भी ख़राब होता है ना फल ही खाते हैं। तो अभी मैं दे दी हूँ, और कुछ टाइम बाद अभी खाना बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं वो। तो गर्मी इतना ज़्यादा है क्या बताऊँ। अगर आप सभी को मेरी आज की ब्लॉग पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मेरी मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।